हर तरफ देखने को मिल रही है। अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज कई संगठनों ने भारत बंद बुलाया है। इसका असर ग्वालियर में भी दिखाई दे रहा है, जहां बीएसपी और दलित संगठनों ने बंद बुलाया है। वहीं जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 3000 जवानों को तैनात किया गया है। बता दें कि बीएसपी भीम आर्मी समेत कई पार्टियां भी इस मामले को लेकर प्रदर्शन करेगी। वहीं कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम समेत कई पार्टियों ने भारत बंद का समर्थन किया है। कोर्ट के फैसले के बाद जो है इस तरह का विरोध देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया और आज भारत बंद का ऐलान किया गया है कई संगठनों की तरफ से। ग्वालियर में भी इसका मिला जुला असर जो है दिखाई दे रहा है। और देखिए आप, ग्वालियर की सड़कें सुनसान हो चुकी हैं। भीम आर्मी चीफ और बीएसपी की तरफ से भी इसका समर्थन दिया जा रहा है। आरक्षण में कोटे में कोटा का विरोध चल रहा है। भारत बंद का ऐलान क्यों किया गया है इसे समझिए। आरक्षण में क्रीमी लेयर बनाने का विरोध जो है वो किया जा रहा है। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आरक्षण में क्रीमी लेयर होना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध अब किया जा रहा है। आरक्षण में कोटा का विरोध किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इसका मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। ग्वालियर में तो सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है। कई संगठन के लोगों ने ग्वालियर में भारत बंद का आह्वान किया है और कुछ राजनीतिक दल भी हैं जो कि इसका समर्थन करते नजर आ रहे हैं। तो क्या भारत बंद का असर और भी राज्यों में नजर आएगा? फिलहाल तो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ग्वालियर की, और ग्वालियर में देखिए किस तरीके से जो भारत बंद का आह्वान है वो किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उस फैसले का विरोध एक तरह से जो है किया जा रहा है, और आरक्षण को लेकर विरोध जाहिर किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिला जुला असर नजर आ रहा है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या हाल है ये जानकारी देंगे हमारे संवाददाता शैलेंद्र चौहान। भोपाल से हमारे साथ हैं, सुशील कौशिक ग्वालियर से हमारे साथ हैं, सतीश चांडक सुकमा से मेरे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, सबसे पहले सुकमा में क्या असर नजर आ रहा है भारत बंद का? जी, आपको बता दूं कि आज भारत बंद है और भारत बंद जो है सफल होता नजर आ रहा है। आज सुबह से ही सर्व आदिवासी समाज के लोग जो है सड़कों पर है। देख सकते हैं मेरे पीछे आपकी बसों के पहिए थमे हुए हैं। जिला मुख्यालय में पूरी तरह से बसों के पहिए थमे हैं। साथ ही व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह से बंद है। जिला मुख्यालय के अलावा जिले के तमाम छोटे मोटे शहरों का यही हाल है और इवन गांव तक का भी यही हाल है। दुकानें सुबह से बंद है और आज जो है ये शाम 5 बजे तक बंद का ऐलान किया गया था। सर्व आदिवासी समाज के साथ जनजाति के लोग इस बंद में शामिल है। पूरी तरह से व्यापारिक का जो समर्थन है इस बंद को मिल चुका है और दुकानें सुबह से बंद है। ठीक है शैलेंद्र, भोपाल में राजधानी में क्या असर नजर आ रहा है भारत बंद का? भारत बंद का भोपाल में फिलहाल कोई भी असर नजर नहीं आ रहा है। यहाँ के व्यापारी संघ पहले ही किनारा कर चुके हैं कि हम लोग इस बंद के समर्थन में नहीं है। अगर बात की जाए तो हम आपको दिखा दें कि पीछे दिख रहा होगा यहाँ पर रोजमर्रा की जो दुकानें वो खुली हुई है। भोपाल अमूमन ऐसा शहर है जो थोड़ा देर से दुकानें शुरू होती है 10 से 11 बजे तक, लेकिन जो खान पान की दुकानें वो सुबह जल्दी खुल जाती है। तो यहाँ पर दुकानें खुली है, वैसी आवाजाही है, लोग रोजाना की तरह आ रहे हैं। हम भोपाल के रंग महल इलाके में, यहाँ पर सभी जगह पर सारी दुकानें खुली हुई है, लोग भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो पब्लिक वाहन है जो ट्रांसपोर्ट के वो भी सब चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो भोपाल पूरी तरीके से इस बंद से अछूता है और यही बात यहाँ के व्यापारी संघ भी कह चुके हैं कि हम लोग इसको समर्थन नहीं करेंगे। और सीधा सीधा इसका असर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर जो टू व्हीलर है, फोर व्हीलर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग अपने काम के लिए निकल चुके हैं, जो दिहाड़ी मजदूर है वो भी यहाँ पर मजदूरी के लिए, काम के लिए आ चुके हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई असर
दिखाई नहीं दे रहा है और ऐसा लग भी नहीं रहा है कि यहाँ पर कोई असर होगा। हालांकि सपा बसपा ने समर्थन दिया है, राजनीतिक समर्थन तो है, लेकिन व्यापारी वर्गों ने यहाँ पर पूरी तरीके से इस आंदोलन से किनारा कर लिया है। वो स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारा इस बंद से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए बाजार रोजाना की तरह ही खुलेंगे और 10-11 बजे के बाद सारा मार्केट खुलेगा और पूरी रौनक रोजाना की तरह जो होती है वही नजर आएगी। ठीक है, सुशील भी हमारे साथ है ग्वालियर से। सुशील, ग्वालियर में तो कहा जा रहा है कि असर नजर आ रहा है भारत बंद का, क्या ग्राउंड जीरो पर भी कुछ ऐसा ही हाल है? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में सबसे ज्यादा असर भारत बंद का रहेगा, क्योंकि आपको बता दें 2018 में इसी तरह भारत बंद के दौरान हिंसा हुई थी, तो उसी के चलते यहाँ भारत बंद को लेकर खासी सुरक्षा व्यवस्था है। जो दलित संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद, उसके चलते यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम है। आपको बता दें कि शहर और जिले भर में करीब 3000 से ज़्यादा पुलिस जवान तैनात है। ये कलेक्ट्रेट की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जहाँ कलेक्ट्रेट को पूरी तरह से पुलिस छावनी की में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि जो भारत बंद के दौरान संगठनों की रैलियाँ निकलेंगी वो यहाँ ज्ञापन देने के लिए राष्ट्रपति के नाम यहाँ कलेक्ट्रेट पहुँचने की संभावना है, उसी के चलते भारी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। पूरे जिले में 3000 से ज़्यादा जवान तैनात रहेंगे, सभी अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, महिला पुलिस से लेकर सभी बल लगाए गए हैं, क्योंकि किसी तरह की बंद के दौरान हिंसा ना हो उसको रोकने के लिए। हमारे साथ CSP हैं। हिना मैडम, किस तरह की क्या सुरक्षा व्यवस्था और बंद को लेकर कितना असर है? बंद का असर तो फिलहाल नहीं है और सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद है, शांतिपूर्ण ये रहे पूरा कार्यक्रम, यही हमारा प्रयास है। और जितना भी व्यवस्था है वो बहुत अच्छे तरीके से लगाई गई है ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे। कलेक्ट्रेट को लेकर किस तरह की सुरक्षा है पूरा आसपास से? कलेक्ट्रेट पर भी काफ़ी भारी मात्रा में बल तैनात किया गया है और जो कलेक्ट्रेट का मेन गेट है इस पर बैरिकेड्स वगैरह से सुरक्षा लगाई गई है और जितने भी लोग आएंगे वो शांतिपूर्ण उनका जो ज्ञापन है या जो भी वो अपनी बात रखना चाहते हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से रख पाएं, इसकी पूरी व्यवस्था की गई। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरह मुस्तैद है और आप देख सकते हैं कि ये कलेक्ट्रेट का इलाका पूरी तरह बैरिकेटिंग कर दी गई है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में पुलिस जवान डिप्लॉय किए गए हैं, कलेक्ट्रेट आने वाले जितने भी रास्ते वह बैरिकेटिंग कर दी गई है, संदिग्ध और असामाजिक तत्वों को यहाँ देखते ही रोका जाएगा। इसके अलावा जो भी संगठन बंद का समर्थन करने के दौरान यहाँ आएंगे रैलियाँ लेकर या फिर उनका जो ज्ञापन का कार्यक्रम रहेगा उसको लेकर भी खास सुरक्षा व्यवस्था में आपको दिखाना चाहूँगा कि अतिरिक्त पुलिस फोर्स के साथ ही आप देखिए यहाँ फायर ब्रिगेड की टीम भी तैनात है। इसके अलावा जो अतिरिक्त रिजर्व पुलिस फोर्स हैं वो भी यहाँ भारी मात्रा में तैनात है, क्योंकि आपको बता दें कि करीब 1.5 से 2 साल पहले कलेक्ट्रेट में ज्ञापन के दौरान भारी हंगामा भी हुआ था, तो यही वजह है कि इस बार प्रशासन किसी तरह की चूक नहीं होने देना चाहता है। यही वजह कि आप देख सकते हैं ग्वालियर कि ये जो में कलेक्टर ने आदेश भी तो जारी किया है कि किसी भी तरह के जुलूस या फिर रैली अगर निकाली जाती है तो उसमें हथियार और इस तरह की चीजें लेकर जाने पर प्रतिबंध रहेगा और DJ बजाने पर भी आज बैन है। बिल्कुल, कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया था उसके मुताबिक उसका मजमून यही था कि जो भी बंद है जिन संगठनों ने बंद बुलाया है वो बंद के दौरान शांतिपूर्ण तरीके से अपना जुलूस जलसा निकाल सकते हैं, लेकिन जुलूस जलसे में हथियार पूरी तरह प्रतिबंधित है, ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलना पूरी तरह प्रतिबंधित है, इसके अलावा डंडे सहित अन्य जो भी सामान है जिनसे उपद्रव होने की आशंका रहती है वो सभी प्रतिबंधित कर दिए कलेक्ट्रेट ने। तो यही वजह है कि जब इन इलाकों से शहर भर में जो करीब 45 से ज़्यादा चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं वहाँ से जब जुलूस जल से गुजरेंगे तो उनको पूरी तरह से चाक चौबंदी के साथ चेक किया जाएगा और किसी तरह के इस तरह के असामाजिक तत्वों के पास हथियार मिलते हैं बिल्कुल तो उनको देखा जाए तो भोपाल में तो असर तो नजर नहीं आ रहा, जैसा कि शैलेंद्र ने तस्वीरें दिखाई थी और यहाँ पर जब सतीश चांडक ने भी तस्वीरें दिखाई तो सुकमा में भी कोई ऐसा खास नजर नहीं आ रहा, मिला जुला असर सुकमा में भी नजर आया है लेकिन ग्वालियर में सबसे ज्यादा जो है असर नजर आ रहा है और उसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया।